राजस्थान के डीडवाना जिले के मुख्य बाजारों में हो रहे अस्थाई अतिक्रमणों के खिलाफ नगर परिषद प्रशासन ने अपना मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि नगर परिषद ने शुक्रवार को अचानक कार्रवाई करते हुए न केवल अतिक्रमण हटाए बल्कि दुकानों के बाहर अतिक्रमण के रूप में पड़े सामान को भी बरामद कर लिया। साथ ही कई अतिक्रमणकारियों के चालान काटकर 50,000 रुपये का जुर्माना भी वसूला गया। वहीं इस कार्रवाई को लेकर नगर परिषद के आयुक्त रोहित मील ने बताया कि विगत दिनों जिला कलेक्टर ने डीडवाना शहर के मुख्य बाजारों में सड़कों पर हो रहे स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण को हटाकर यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए थे, जिसका पालन करते हुए शुक्रवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। और इस कार्रवाई के तहत रेलवे स्टेशन, बांकण कॉलेज, बस स्टैंड आदि बाजारों में दुकानों के बाहर हो रखे अतिक्रमणों को हटाया गया। डीडवाना से संवाददाता मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। जो मेन मार्केट और जो मुख्य मार्ग है, इनसे हमने जो रेडी ठेले वाले हैं और जो चाट पकौड़ी इस टाइप का जो खाद्य सामग्री बेचते हैं, उन पर हम आज कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें साथ में पॉलिथीन जब्ती की भी कार्रवाई की गई है और संबंधित को डस्टबिन रखने के लिए पाबंद किया गया है, अपने आस पास गंदगी रखें इसके लिए पाबंद किया गया है। और ये अभियान कंटिन्यूस चलेगा, लगातार चलता रहेगा और जब तक इनको इस सफाई व्यवस्था की और अतिक्रमण नहीं करने की आदत नहीं पड़ जाए तब तक ये अभियान चलता रहेगा। इसके बाद हम अगला जो फेज है उसमें जो भी अवैध कॉलोनियां हैं और जो अवैध निर्माण है उन पर भी हम कार्रवाई करें और ये कार्रवाई कठोर कार्रवाई की जाएगी, स्ट्रिक्टली ये अभियान चल रहा है।